हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग अड्डा। आज का सेशन हम लाए हैं आपके लिए टॉप 100 नंबर सीरीज क्वेश्चंस, जो कि हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 1, जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस होगा नंबर सीरीज का। और ये सेशन शुरू करने इसीलिए हम जा रहे हैं कि बहुत जन का अभी डाउट हो रहा है कि सर नंबर सीरीज कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए हम, जो कि अभी बहुत सारा एग्जाम्स आने वाले हैं अभी जो सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी ये वाला पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वैसे मैं गोपाल बेहरा स्वागत करता हूँ फिर से आपको रीजनिंग अड्डा को, ठीक है। तो अभी अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और उसके साथ साथ ये सेशन को लाइक जरूर करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन। बाय द वे, अभी अगर हम बोलेंगे तो नंबर सीरीज को देखा जाए तो दो वे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक है आपका कॉम्प्लीशन ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज को कंप्लीट करना होता है, और दूसरा होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। दूसरा होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे क्या करना है, तो अभी जो लाए हैं हम कॉम्प्लीशन ऑफ सीरीज लाए हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहाँ पे क्या डालेंगे। और एक होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब यहाँ पे एक एक ऐसे कुछ नंबर दिया जाएगा, बीच में एक नंबर जो कि आपका गलत दिया रहेगा उसको हमें ढूंढना है। तो ये इसका भी हम सेशन लेके आएंगे, लेकिन बाद में लेके आएंगे, पहले अभी पहला फॉर्मेट का। तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये वाला देखना है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 11, 20, 42, देन क्वेश्चन मार्क 166, देन 330। अब यहाँ पे देखें तो एक्चुअली क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। अगर 11 और 20 का रिलेशन देखा जाए तो 11 इंटू टू कितना होता है, 22। अभी यहाँ इसमें से अगर माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, आपका 20 आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर फिर से जब 20 आ ही रहा है, देन 20 42 के अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो 20 इंटू 2 करने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, देन फिर से प्लस 2 होता है तो 42 आ रहा है मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 11 इंटू 2 माइनस 2, देन 20 इंटू 2 प्लस 2, अगेन 42 इंटू 2 माइनस 2 होगा, देन इंटू 2 प्लस 2। मतलब यहाँ पे आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मेट आएगा इंटू 2 माइनस 2, देन इंटू 2 प्लस 2, फिर से इंटू 2 माइनस 2, फिर से इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ पे 42 इंटू 2 माइनस 2 करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 82, ऑप्शन ई, क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना, नंबर सीरीज में हम लोग का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप सबको फॉर्मेट्स याद रखना होता है, ठीक है। ओके, देन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 23, 12, 13, 21, यहाँ पे 11, 2.5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखना, थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ पे आपका डेसिमल है और डेसिमल में कितना है, यहाँ पे 0.5 है। अगर 0.5 है तो हमेशा याद रखना है इसको 0.5 या फिर किसी के एक डिवाइड बाई 2, जो कि डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए, वो इसमें डिवाइड किया गया है, इसकी इतना याद रखना। अगर 0.5 है कहीं पे तो मैं बोलता हूँ 0.5 या फिर 1.5 या फिर 2.5, इसी में से कुछ में मल्टीप्लाई किया होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 23 इंटू 0.,  अगर 23 और 12 का अगर देखेंगे तो 23 का हाफ कितना होता है, 23 का हाफ अगर करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 11.5। अगर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कितना है, 12 है, तो प्लस अगर 0.5 करेंगे तो कितना होता है, 12 आता है, ठीक है। वैसे फिर से 13 हुआ, तो 13 तो क्या करेंगे, तो 13 अगर इसमें से, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किए हैं, इसका मतलब क्या, इंटू 0.5 किए हैं। अगर 11 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 प्लस 1 करने पे फिर से आ रहा है 13। तो यहाँ पे पहला क्या हुआ, इंटू 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, इक्वल टू 12 आया। उसके बाद इंटू 1 प्लस 1 करने पे 13 आया। उसके बाद कितना करेंगे, इंटू 1.5 प्लस 1.5 करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका फिर से 21 आएगा। वैसे फिर से इंटू 2 प्लस 2 करने पे कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 44। 21 इंटू 2 आपका 42, 42 प्लस 2 कितना आ रहा है, आपका 44। मतलब यहाँ पे अगर आपको मैं फॉर्मेट बता दूँ तो 0.5 प्लस 0.5, उसके बाद इंटू 1 प्लस 1, उसके बाद इंटू 1.5 प्लस 1.5, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2.5 प्लस 2.5, ऐसे करके यहाँ पे हम लोग का सीरीज बन रहा है, ठीक है। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8, 10, 18, 44, 124, देन क्वेश्चन मार्क।
अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं डिफरेंस निकालते हैं तो 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 18, 44 मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे 120 पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे आपका आ रहा है 8, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 26 आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 80 आ रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए मुझे ये निकालना है। अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे हुआ कितना 6, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आपका आ रहा है 18 आ रहा है। तो अभी डिफरेंस था यहाँ पे 6, यहाँ पे 18, यहाँ पे डिफरेंस देंगे थोड़ा, यहाँ पे कितना आ रहा है 54 आ रहा है। मतलब अभी डिफरेंस क्या हुआ, 6 इंटू 3 यहाँ पे डिफरेंस हुआ 18, 18 इंटू 3 यहाँ पे डिफरेंस हुआ कितना 54, 54 इंटू 3 यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 162। ठीक है, 162। अगर 124 के साथ अगर 162 मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 366। अब क्लियर है, अब समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो फिर से 54 इंटू 2 जितना भी है यहाँ पे 162 अगर मिलाएंगे उसके बाद आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 366, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है डिफरेंस को फिर से आप डिफरेंस लेंगे तो इंटू थ्री बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके, देन क्वेश्चन नंबर फोर अगर क्वेश्चन नंबर फोर देखा जाए तो 4, 4, 21, 68 क्वेश्चन मार्क 21 था, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब जितना अगर नंबर बड़ा होते जा रहा है इसका मतलब हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होते जा रहा है, मल्टीप्लाई 5, 6, 7, 8 ऐसे मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर 4 यहाँ पे कितना लेंगे, 4 अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे मैं हम बोल सकते हैं 4 × 2 कीजिए, 4 × 2 करने पे कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे, 4 अगर माइनस करेंगे तो फिर से आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये मैं क्यों किया बत पता चलेगा, उसके बाद फिर से अभी आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, 4 अभी इंटू 3 कीजिए 12 आ रहा है, माइनस अभी अभी यहाँ पे कितना हुआ, अभी यहाँ पे दिया माइनस नहीं, यहाँ पे 21 दिया, मतलब आप प्लस कीजिए, प्लस अगर 9 करेंगे तो कितना हो रहा है 21 हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 9 मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर। फिर से अभी हम बोल सकते हैं इसका मतलब इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, तो कितना होगा 365। ठीक है, 68 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर आपका आ रहा है 365। क्लियर, ओके, चलिए देन क्वेश्चन नंबर फाइव धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर फाइव देखा जाए तो यहाँ ये बहुत ईजी, यहाँ पे 7 है, 20 है, मतलब 7 इंटू 3 इक्वल 21 माइनस 1 कितना होता है 20। फिर से 20 आ गया, 20 इंटू 3 60 माइनस 1 करने पे 59। तो यहाँ पे आपको पता चले ये बहुत ईजी है, इंटू 3 माइनस 1 आपका फॉर्मेट है, फिर से इंटू 3 माइनस 1, फिर से इंटू 3 माइनस 1, ऐसे आपका फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव का, आपका आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 176 इंटू 3 माइनस 1 करने पे 527 आएगा। ठीक है, ओके, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे तो ध्यान देना, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 6 माइनस 3 है यहाँ पे, 24 माइनस 57 186, फिर से यहाँ पे कितना रहा है माइनस आएगा। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं 6 को इंटू माइनस 3 करूँगा तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, 6 को अगर माइनस 3 पे मल्टीप्लाई करा 18, तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं प्लस, तो ओके माइनस 3 माइनस 18 आता है। ठीक है, प्लस अगर 15 करता हूँ तो यहाँ पे माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे माइनस 3 को इंटू अगर मैं करता हूँ माइनस 3, उसके बाद प्लस 15, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना होगा 9, 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम बोल सकते हैं इंटू माइनस 3 प्लस 15, तो फिर से इंटू माइनस 3 प्लस 15, फिर से इंटू माइनस 3 प्लस 15, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 186 इंटू माइनस 3 प्लस 15, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा 186 इंटू अगर माइनस 3 करेंगे तो माइनस 558 प्लस 15 करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस 543 आ जाएगा। यहाँ पे 558 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस 543। क्लियर, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है यहाँ पे,
4, 8, 14, 26, 36.5। अभी कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया था अगर 0.5 आ रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से डेसिमल या फिर 0.5, 1.5 आप ऐसे ले सकते हैं। अगर आप ऐसे कंसीडर करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फिर से 4 यहाँ पे 8 मतलब आसपास दुगना के आसपास है। तो आप एक काम कीजिए 4 × 1.5 + 2, 4 × 1.5 कितना आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 + 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। फिर से 8 × 1.5 कितना आ रहा है, 8 × 1.5 आपका आ रहा है 12, ठीक है। फिर से 12 + 2 कितना आ रहा है 14। तो यहाँ पे पता चल गया दैट × 1.5 × 1.5 + 2, फिर से × 1.5 + 2, फिर से × 1.5 + 2। तो ये फॉर्मेट में आपका नंबर सीरीज कंसिडर हो रहा है। तो 36 × 1.5 + 2 करने पे आपका कितना आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 36.5 × 1.5 करने पे आपका आ रहा है 54.75, प्लस 2 करने पे कितना आ रहा है 56.75, दैट इज यहाँ पे आपका ऑप्शन ई, क्लियर। ओके देन क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे फिर से आपका 10.5 मतलब फिर से डेसिमल आ रहा है, डेसी 0.5 आ रहा है मतलब फिर से 0.5, 1.5 यही कुछ हुआ होगा, ठीक है। 9.5 अगर देखेंगे तो 9 × 0.5 करने पे कितना आ रहा है 4.5, प्लस 0.5 करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। वैसे 5 × 1 करने पे कितना आ रहा है 5 + 1 करने पे 6, मतलब यहाँ पे पता चल गया × 0.5 + 0.5 × 1 + 1, फिर से × 1.5 + 1.5 ऐसे चल रहा है, फिर से × 2 + 2 यही फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट हम बताए थे अर्लियरली हम बताए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 23 × अभी यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5 प्लस 2.5, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगी आपका ऑप्शन ए दैट इज 60, क्लियर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अगर 9 देखेंगे तो फिर से 1 यहाँ पे 19, 55, 112, 193 मतलब बढ़ते जा रहा है। अगर बढ़ते जा रहे हैं तो एक कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पे हम डिफरेंस ले सकते हैं। 1 मैं सीधा लिख रहा हूँ 19, 55, 112 एंड 193, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है कितना 18 आ रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे फिर से कितना आपका डिफरेंस आ रहा है 36 आ रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे फिर से आपका कितना आ रहा है यहाँ पे आपका फिर 57, तो यहाँ पे फिर से कितना आ रहा है अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 181, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 81, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 18 अभी यहाँ पे कितना बढ़ा हो 86, यहाँ पे 18 है यहाँ पे 36 मतलब फिर से 18 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 36 यहाँ पे 57 मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 21 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से कितना बढ़ रहा है 7, यहाँ पे देखेंगे 24, मतलब ये जो डिफरेंस है डिफरेंस के बाद जो डिफरेंस है प्लस 3 होता चल रहा है फिर से प्लस 3 मतलब 24 + 3 = 27, अभी 81 + 27 कितना हो जाएगा 108 आपका हो जाएगा डिफरेंस। तो 193 के बाद अगर 108 मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर ऑप्शन ए दैट इज 301 193 + 108 = 301, दैट इज ऑप्शन ए, क्लियर। ओके चलिए देन क्वेश्चन नंबर टेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3, 7, 15, 31, 63, इसका मतलब क्या है × 2 + 1 सीधा 3 × 2 + 6 + 1 = 7, 7 × 2 = 14 + 1 = 15, 15 × 2 = 30 + 1 = 31, ये बहुत ही इजी है × 2 + 1 इसको छोड़ो। चलिए तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर अगर देखेंगे ऑप्शन डी दैट इज 127, क्लियर। ओके देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है आपका 13, 27, 56, यहाँ पे फिर से 13, 27 मतलब × 2 + 1, यहाँ पे × 2 + 1 अगर 13 देखा जाए तो 13 × 2 = 26 + 1 = 27, अभी 27 अगर मैं × 2 करता हूँ 27 × 2 आपका 54 आ रहा है, 54 के बाद × 2 करने पे फिर से कितना मिलाना होगा 2 मिलाना होगा, तो यहाँ पे 56 आ रहा है, इसका मतलब फिर से × 2 + 3 हो जाएगा, फिर से × 2 + 4 हो जाएगा, तो यही चल रहा है। तो यहाँ पे × 2 + 1 × 2 + 2 × 2 + 3 अगर × 2 + 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है ऑप्शन सी दैट इज 115 आपका आंसर, क्लियर। ओके चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12 48
144, 288, 864, 1728, इसका मतलब मैं अभी कुछ ही देर पहले बताया था, अगर पूरा इंक्रीज होते चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते चल रहा है, मल्टीप्लाई होते चल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, 48 यहाँ पे 144, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे थर्ड मल्टीपल इंटू थ्री करने पर 144 आता है। फिर से 144 को 288 कितना आ रहा है, यहाँ पे इंटू टू करने पर आ रहा है। फिर से 288 को 864 कितना है, फिर से इंटू थ्री, मतलब इंटू टू से इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, तो फिर से यहाँ पे इंटू थ्री करना होगा। इंटू थ्री करने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कितना होगा, 1728 इंटू थ्री मतलब आपका आ रहा है 5184। 5184 कहाँ पे, ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, क्लियर। ओके चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत बड़ा नंबर है, उसके बाद थोड़ा सा कम है, फिर से यहाँ पे बड़ा नंबर है, फिर से कम है, फिर से बड़ा नंबर, फिर से कम है। अगर ऐसे यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर दिया तो थोड़ा ट्राई करना परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर किसी नंबर का होगा, परफेक्ट स्क्वेयर या फिर आपका स्क्वेयर रूट दिया रहेगा। स्क्वेयर रूट अगर देखेंगे तो 46656 अगर देखेंगे तो ये आपका आता है 36 का आपका क्यू ना, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं, यहाँ पे इसका क्यू आ रहा है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं, यहाँ पे क्यू, ये भी देख लेना थोड़ा, क्यू देख लेना, ठीक है। 1156 अगर 1156 अगर देखेंगे तो ये आता है आपका कितना, 34 का स्क्वेयर, यहाँ पे आपका 34 का स्क्वेयर। फिर से 32768 इस वजह से थोड़ा कम है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 32 का क्यू, ये आपका 32 का क्यू, क्योंकि 222 मतलब 8 आ रहा है, ठीक है। ओके 4 × 4 = 6, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे अब पता चल रहा है 36 का क्यू, 34 का स्क्वेयर, 32 का क्यू, फिर से क्या होगा, 30 का स्क्वेयर, 30 का स्क्वेयर मतलब कितना होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 900, क्लियर। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ओके 4, 14, 32, 60, 151, फिर से बढ़ते चल रहा है, फिर से बढ़ते चल रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, अभी 4 से 14 मतलब कितना होगा, 10 मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10 मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14। उसके बाद फिर से 14 प्लस यहाँ पे आपका 32 दिया हुआ है, 32 मतलब हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2, अभी 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 2 कितना, 18, 14 प्लस 18 इक्वल 32, ठीक है। फिर से 5 का स्क्वायर प्लस 3, फिर से 6 का स्क्वायर प्लस 4, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 कितना 40, 60 प्लस 40 आपका आंसर आ जाएगा 100, समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे प्लस होता चल रहा है, ठीक है। फिर से प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 4, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, 56 क्वेश्चन मार्क 80, 102, 128, 160, फिर से अगेन बढ़ते चल रहा है। अगर अगेन बढ़ते चल रहे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अभी कंसीडर मत कीजिए, यहाँ से कंसीडर कीजिए, 80, 102 मतलब यहाँ पे आपका 22, ठीक है, यहाँ पे 22, यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है, आपका अगर यहाँ पे 102 से 128 देखेंगे तो 26 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 128 से 161 फिर से कितना बढ़ रहा है, 33 बढ़ रहा है। अगर 33 बढ़ रहा है इसका मतलब 22, 36, 33, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना 11 का सेकंड मल्टीपल है, 11 × 2, ये 13 × 2, फिर से यहाँ पे कितना 11 × 3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 13 × 3, तो ये क्या होगा, यहाँ से इतना क्या होगा आपका 13 × 1 होगा, और यहाँ से इतना 11 × 1, 11 × 1 मतलब आपका डिफरेंस आना चाहिए 11, तो 56 प्लस 11 इक्वल कितना आ रहा है, ऑप्शन बी, दैट इज 67। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 67, क्लियर। 11 सॉरी पहले आपका डिफरेंस 11, उसके बाद वाला डिफरेंस 13, फिर से आपका 22, फिर से 26, फिर से आपका 33, उसके बाद 39, ऐसे चल रहा है, मतलब 11 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, 13 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ओके चलिए देन क्वेश्चन नंबर 16, ये भी यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान देना, बहुत बड़ा होता चल रहा है, बहुत अगर बड़ा होता चल रहा है तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे लग रहा है, या फिर किसी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे किसी का क्यू होगा, ऐसे चल रहा है। तो अगर 732 अगर देखे जाए, 7 इसके आसपास वाला नंबर कितना है, 729 एक आपका नंबर है, किस किसका क्यू,
नाइन का क्यूब होता है 729, मतलब 3 प्लस, अभी ये बेस नंबर प्लस 9 का क्यूब कितना आ रहा है 729। उसके बाद अगर हम फिर से देखेंगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंस 1244, मतलब अभी क्या करेंगे 729 के पास आप मिलाना कितना 8 का क्यूब मिलाना पे कितना आ रहा है फिर से 1587 आ रहा है। इसका मतलब 9 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ऐसे होता चल रहा है, यहाँ पे 9 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब, 7 6 5, उसके बाद कितना होगा 4 का क्यूब मतलब कितना 64। अगर यहाँ पे 64 मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा 1992, 1919 28 प्लस 64 अगर मिलाएंगे तो 1992 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ दिस, क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 17, फिर से यहाँ पे 0.5, 0.76, लेकिन यहाँ पे 0.76 से थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर 0.76 है तभी चलेगा लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या करेंगे देखना थोड़ा, 1624 मतलब अभी 16 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है 16 × 1.5 करने पे कितना आ रहा है 24, ठीक है 16 × 1.5 करने पे आपका 24 आ रहा है। फिर से 24 × अगर कुछ करेंगे तो हम बोल सकते हैं × 2.5 करेंगे, × 2.5 देखते हैं कितना आ रहा है, जितना भी आएगा अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर 24 × 2.5 अगर करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज 60, दैट इज यहाँ पे आ रहा है 60। अब 60 × 3.5 करने पे कितना आ रहा है 210, सही है। तो इसका मतलब × 1.5 × 2.5 × 3.5 × 4.5 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं × 1.5 × 2.5 × 3.5 × 4.5, ये फॉर्मेट में आपका चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 18, अगर 8, 11, 17 क्वेश्चन मार्क 165.5 अगर आ रहा है तो यहाँ पे फिर से डेसिमल मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8 × 0.5 + 7, 8 × 0.5 मतलब आपका 4 + 7 = 11, ठीक है। उसके बाद 11 × 1 + 6, 11 × 1 कितना आ रहा है 11 + 6 कितना आ रहा है 17 = 17। उसके बाद 17 × 1.5 + 5, 7 × 1.5 + 5 करने पे कितना आ रहा है आपका 17 × 1.5 + 5 करने पे आपका आ रहा है 30.5, दैट इज ऑप्शन डी, 30.5 = ऑप्शन डी, ठीक है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क 9, 15, 27, 51, 99, मतलब ये फिर से आपका बर्थ कर रहा है। तो अगर हम ये करेंगे तो ये बहुत ईजी है, देखिए 9 × 2 − 3 करने पे 18 − 3 आपका 15, उसके बाद 15 × 2 करने पे 30 − 3 करने पे 27, × 2 − 3 आप कर सकते हैं। इसका मतलब 99 × 2 कितना आ रहा है 99 × 2 मतलब आपका 198 माइनस आपका 3 195, दैट इज ऑप्शन बी 195, क्लियर। 99 × 2 − 3 तो 198 − 3 = 195, चलिए देन आज का लास्ट सवाल, आज के सेशन का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल 7, 9, 19, 14, 95, अगर इसको देखेंगे तो 7 अगर देखेंगे तो 7 के अगर दो मिलाएंगे तो कितना 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद 10 आ रहा है, 10 इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ओके यहाँ पे 9 + 10 = 19, अगर यहाँ पे 2 कंसीडर करते हैं तो 1² + 1 बोल सकता हूँ, 10 = 3² + 1 बोल सकता हूँ, वैसे इसका मतलब 7 + 1² + 1, 9 + 3² + 1, 19 + 5² + 1, 14 + 7² + 1 ऐसे चल रहा है, मतलब 19 + 5² + 1 मतलब 25 + 1 = 26, 19 + 26 = यहाँ पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे +7² + 1, फिर से +9² + 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका आ रहा है ऑप्शन डी, दैट इज 177, 95 प्लस आपका 9² + 1 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 95 + 9² = 81 + 1 = 82, 95 + 82 = 177, दैट इज ऑप्शन डी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, फिर से लेके आएंगे इसका दूसरा पार्ट जो कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होगा, और ऐसे ऐसे करके टॉप टोटल 100 क्वेश्चंस आपका सॉल्व करेंगे विद इन दिस वीक, ठीक है।
चलिए आपका प्यार देना और हेल्प करना, ताकि और जो भी सजेशन से मुझे दे सकते हैं, ताकि हम एक एक करके आपके लिए सेशन लेके आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं गोपाल मेरा आपको विदा देता हूँ, फिर से मिलेंगे अगला सेशन में। थैंक यू वेरी मच।